सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके ऊपर अनुग्रह और शांति होती रहे। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाइबल में किन किन जगह के ऊपर परमेश्वर यहोवा ने आग के द्वारा चमत्कार किए। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक 4:24। उसमें लिखा है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वह जल उठने वाला ईश्वर है। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं कि इसराइली लोग कुड़कुड़ाने लगे थे, तब यहोवा परमेश्वर ने आग के द्वारा वहां पर कार्य किया। अगर आप इस वचन को पढ़ना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ निकालें गिनती की पुस्तक 11:1-3। उसमें लिखा हुआ है, फिर वह लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। अंत यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा और यहोवा की आग उसके मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की, तब वह आग बुझ गई और उस स्थान का नाम तबेरा पड़ा, क्योंकि यहोवा की आग उसमें जल उठी थी। परमेश्वर यहोवा ने मूसा के द्वारा भी बहुत सारे अद्भुत काम किए। और अब हम पढ़ेंगे एलिया के समय में भी यहोवा परमेश्वर ने स्वर्ग से आग को भेजा था। जब हम दूसरा राजा 1:10-14 तक पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, एलिया ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50ों समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और उसे उसके 50ों समेत भस्म कर दिया। फिर राजा ने उसके पास 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50ों सिपाहियों समेत भेज दिया। प्रधान ने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है फुर्ती से तू उतर आ। एलिया ने उत्तर देकर उनसे कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50ों समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से परमेश्वर की आग उतरी और उसे उसके 50ों समेत भस्म कर दिया। फिर राजा ने तीसरी बार 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50ों सिपाहियों समेत भेज दिया और 50ों का वह तीसरा प्रधान चढ़कर एलिया के सामने घुटने के बल गिरा और गिड़गिड़ाकर कहने लगा, हे परमेश्वर के भक्त, मेरा प्राण और तेरे इन 50 दासों के प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। 50-50 सिपाहियों के जो दो प्रधान अपने अपने 50ों समेत पहले आए थे, उनको तो आग ने आकाश से गिरकर भस्म कर डाला, परंतु अब मेरे प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। और जब हम वचन 15 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, तब यहोवा के दूत ने एलिया से कहा, उसके संग नीचे जा, उससे मत डर। तब एलिया उठकर उसके संग राजा के पास नीचे गया। सचमुच यहोवा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर हैं। और इस जगह के ऊपर हमने देखा कि कैसे यहोवा परमेश्वर ने आग के द्वारा अद्भुत काम किए और अपने दास की प्रार्थना को सुना। चलिए अब हम अपने अगले वचन को पढ़ेंगे, निर्गमन 19:18। उसमें लिखा है, और यहोवा जो आग में होकर सिनै पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे यहोवा परमेश्वर ने बाइबल में आग के द्वारा चमत्कार किए। और मैं जानता हूं कि आज की वीडियो के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें ताकि प्रभु का वचन और ज्ञान और लोगों तक भी पहुँचे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का आपको पता चलता रहे। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की।